आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, बहुत ही सामान्य सी समस्या है, दांतों की समस्या। मेरे पास 99% केस जो आते हैं या जितने भी पेशेंट आते हैं, उनकी सबसे पहली समस्या होती है कि डॉक्टर साहब दांतों में दर्द हो रहा है। दूसरी समस्या आती है ब्लीडिंग ऑन गम्स की, और तीसरी जो समस्या आती है मुंह से बदबू आने की। तो ये जो तीन समस्या है आज मैं इन पर बात करूंगी। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी दांतों में दर्द की समस्या। दांतों में दर्द कभी कभी अचानक से उठता है, कभी कभी धीरे धीरे होता रहता है। पर क्या होता है कि हम पेशेंट जो पेशेंट है वो उसको अवॉइड करता रहता है। एंड जो दांतों के दर्द की मेन जो प्रॉब्लम होती है, दांतों के अंदर कीड़ा लगना, कीड़ा जिसे हम लोग कैविटी बोलते हैं, वो धीरे धीरे बनके धीरे धीरे जो भी होता है खाना और बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी की जितनी होती हैं उनसे धीरे धीरे डेवलप होता है। बट लापरवाही की वजह से हम ध्यान नहीं देते हैं तो वही दांतों में एक गड्ढे का छोटे से कैविटी का फॉर्म ले लेता है, और जब वो अंदर नर्व सप्लाई तक पहुंच जाता है, ब्लड सप्लाई तक पहुंच जाता है, तो पेशेंट को अचानक से पेन होता है, और वो पेन जो होता है वो धीरे धीरे मुंह से लेके सर तक चला जाता है, और वो इतना ज्यादा होता है कि वो अनबेरेबल होता है। तो जब भी हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी हमारी ये समस्या स्टार्ट होती है, तो हमें सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन पेशेंट का आता है कि डॉक्टर साहब मैं तो दांतों की बहुत केयर करता हूँ, डेली मैं टूथपेस्ट करता हूँ, रोज सुबह शाम करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे पास ये समस्या क्यों है। पुराने जमाने में एक आदत होती थी कि जब भी हम कुछ खाते थे तो खाने के बाद ये कहा जाता था कि कम से कम एक घूंट पानी का कुल्ला जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? पुराने जमाने की जो बातें होती थी उनके पीछे लॉजिक होते थे। जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो हमारे दांतों में जो हमारे गम्स में पॉकेट्स होती हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें चाहिए कि हम वो किसी भी लिक्विड पानी के घूंट के या पानी के कुल्ला करने से वो वहीं साथ के साथ निकल जाता है। साथ के साथ जब हम कुल्ला करते हैं, सारे मुंह में अच्छे से पानी को घुमा के करते हैं, तो सारा जो है वो हमारे मुंह में नहीं रह जाता है, वो या तो हमारे पेट में चला जाता है या फिर स्प्लिट करने से वो बाहर निकल जाता है। तो पहली तो ये आदत होती है, जो मैं मानती हूँ कि 60% अगर दांतों की किसी भी कैविटी या किसी भी समस्या से हम ऊपर आ सकते हैं तो वो सिर्फ पानी से कुल्ला करने की आदत से आ सकते हैं। दूसरा होता है कि और क्या हम कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर रोल होता है वो डाइट्री पार्ट का होता है। डाइट्री में आजकल हम लोगों के जो है फास्ट फूड ज्यादा चलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले टाइम में कहा जाता था कि प्रोटीन रिच और फाइबर वाली डाइट्स होती थी, जैसे चने खाना, गन्ने खाना, या फ्रेश सब्जियां, फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल, पहले इनकी ज्यादा प्रायोरिटी होती थी। बट आज ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ हमारी आदतें बदली हैं, इसलिए जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वो डाइटिंग हैबिट भी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपने घर में जो डाइट है वो शुद्ध भारतीय डाइट रखनी चाहिए, जिसमें फाइबर्स बहुत रिच अमाउंट में होता है, साथ में फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अब जब फ्रेश वेजिटेबल्स की बात आती है तो पेशेंट का अगला क्वेश्चन होता है कि आजकल फ्रेश कहाँ अवेलेबल है, सब इंजेक्शन वाली है, या सब इंजेक्शन वाली है, फ्रेश वेजिटेबल नहीं है। बट इनके और भी तरीके बताए गए हैं कि जब भी हम सब्जियां पकाते हैं या काटते हैं तो एक बार उसे गर्म पानी से वॉश जरूर करना चाहिए, जिससे उसमें जितने भी हानिकारक तत्व या केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड था कि हम अगर छोटी छोटी आदतें हैं अगर हम इन्हें बदलें तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी हमारी आदत होती है, तीसरा जो मेजर पार्ट होता है दांतों में कीड़ा लगने का, वो होती है हमारी आदतें। आदत में हम शुरुआत करते हैं बच्चों से। आजकल जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को बॉटल फीडिंग कराती हैं, जिससे इंसिपिएंट कैरिज यानी कि प्रारंभिक दांतों में कीड़ा लगने की समस्या होती है। मदर्स बॉटल फीडिंग तो करानी भी है क्योंकि वो सर्विस वूमेन है तो वो उस पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि जब भी आप अपने बच्चे को बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले उसके गम्स पैड को क्लीन करना ना भूलें हर बार, डेली। अब क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन करने का सिंपल सा तरीका होता है कि हैंड में एक कॉटन का रुमाल या कॉटन लेके उसको वेट करके बच्चे के गम्स पैड पे फिंगर से अच्छी तरह से मूव करें और गम्स को अच्छे से रगड़ें, जिससे क्लीन अप हो जाता है। दूसरी बात आती है कि फिर बच्चे थोड़े थोड़े
एज में बढ़ते हैं फिर उनकी जो डाइट होती है वो फास्ट फूड होता है, बेहतर होगा कि बच्चों को फास्ट फूड से बचाएं, टॉफी चॉकलेट इतनी शुगरी आइटम से दूर रखें, जितने भी चिपचिपी चीज होती है बट इतना भी नहीं रख सकते हैं हम, क्योंकि उसका भी एक रीजन होता है कि बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उसे मीठा खाना ही खाना है। मीठा खिलाइए लेकिन ध्यान रखिए कि जो चिपचिपे वाली चीजें हैं हम उनसे अच्छे ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, चॉकलेट की जगह हम जेली वाली टॉफीज ऑप्ट कर सकते हैं जिससे हम बच्चे का शौक भी पूरा कर सकते हैं और साथ में बच्चे को हैबिट भी डाल सकते हैं कि जब भी आप टॉफी खा रहे हो बेटा उसको प्यार से समझाएं, अगर आप उसको मना करेंगे तो वो नहीं ऑप्ट करेगा उस आदत को, तो बेटर है कि आदतें चेंज करनी है। चॉकलेट की बजाय हमें कैंडीज ले लेनी है, फ्रेश फ्रूट की कैंडीज आती हैं जो दांतों में बहुत अच्छे से चिपकती नहीं है और बच्चे को अगेन फिर गार्गलिंग्स के लिए प्रोवोक करें, एनकरेज करें, उसको समझाएं कि बेटा गार्गलिंग क्यों जरूरी है, किस लिए नहीं जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट अर्ली स्टेज आती है कि जैसे ही बच्चे टीनेज में जाते हैं तो उनका सेकेंड जो चार्म होता है वो होता है कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी और हॉट बेवरेज टाइप के जितने आइटम्स होते हैं, फास्ट फूड होता है। तो बेसिकली ये है कि इस एज में भी हमें जो फॉलो अप लेना होता है वो जूसेज, फ्रेश जूसेस का ज्यादा लेना होता है बजाय हमें पैक्ड जूसेस जो होते हैं उनको अवॉइड करना होता है क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव है तो केमिकल्स एडेड है। सो हमें बेटर ट्राई करना चाहिए कि जब भी हम जा रहे हैं या कहीं भी है हम फ्रेश जूसेस को प्रेफर करें। डाइट हमें अगेन प्रोटीन एंड फाइबर वाली रखनी है और बाकी गार्गलिंग्स की हैबिट रखनी है, ये बहुत ही माइनर सी हैबिट है, कोई भी बहुत, आप नोटिस करो कि मैंने जो भी टिप्स बताई है वो कोई भी इतनी ज्यादा नहीं है। प्लस ब्रशिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए और सबसे बड़ी बात अगर दांतों में कैविटीज है तो उसका मैं जो मेन फैक्टर मांगती हूँ कि अगर मुंह में सलाइवा, अगर हमारी लार गंथी में लार अगर इंक्रीज नहीं होगी तो हमारे मुंह में ड्राइनेस होने लगेगा, ऑब्वियसली वहां पे फूड एक्युमुलेशन होगा। तो जब फाइबर और रिच डाइट कहते हैं तो जितना हम च्युइंग करते हैं वहां से लार का हम एक्सक्रीशन कराते हैं अपनी बॉडी में, लार में खुद सेल्फ मेडिकेटेड होता है। तो कई बार होता है कि हमारी बहुत सी समस्याएं होती हैं, मैं बहुत सारे पेशेंट को कई जेल प्रोवाइड करती हूँ जिससे क्या होता है कि लार ग्रंथी का प्रवोक किया जाता है जिससे मुंह थोड़ा सा ड्राई होने से बेटर वेट उसमें आता है और सेल्फ मेडिकेशन प्रवोक होता है। तो जहां मुझे दवाई 7 डेज की चलानी होती है वो 3 या 4 डेज में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात क्या होती है कि ब्रशिंग मेथड, दैट इज अ मेजर फैक्टर। या लोग ब्रश जरूर करते हैं लेकिन उन्हें आज तक ब्रशिंग मेथड पता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वहां से प्रॉपरली पूछे कि मुझे ब्रश कैसे करना है। और ब्रशिंग मेथड के बहुत सारी चीजें होती है, मैं मानती हूँ कि जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमें एक सॉफ्ट ब्रशेस वाला लेना चाहिए। सॉफ्ट ब्रशेस वाले ब्रश तो हम लेते हैं लेकिन क्या होता है कि हमारी एक हैबिट होती है कि हमने ब्रश किया और हमने रख दिया, नेक्स्ट डे हमने अगेन वही यूज कर लिया, जिसके लिए मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप ब्रश करें एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले हॉट वाटर में आप डिप करके रखें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो स्टरलाइजेशन होगा, जो पास डिजीज है या जो भी हमने ब्रश करके टूथब्रश पे जो भी इन्फेक्शन है वो रिमूव होता है। सेकेंड, जो ब्रशेस होते हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो हमारे गम्स को इंजर्ड नहीं करते हैं। और तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, प्रॉपर मेथड आपको सीखना है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट वो आपको मिरर के सामने बैठ के धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। और थर्ड जो रीजन होता है मोर एक्सेसिव ब्रशिंग, वो हमें नहीं करनी है। चौथा, मैं मानती हूँ कि हम मोस्टली मैंने देखा है कि पेशेंट आते हैं राइट साइड के उनके टूथ ज्यादा एब्रेस्ड होते हैं और लेफ्ट के कम होते हैं, तो जो एक पेशेंट में आदत होती है कि वो एवरी टाइम एक ही साइड से ब्रश स्टार्ट करता है, ये गलत आदत है। हमें एवरी डे अल्टरनेट, एक दिन हमें राइट साइड से एक दिन हमें लेफ्ट साइड से हैबिट डालनी चाहिए कि हमें कंटिन्यूसली चेंज करना है, एवरी डे हमें अपनी हैबिट को चेंज करना है कि एक बार हम ब्रशिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे एक बार राइट से स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद प्रॉपर गार्गलिंग होती है। डेंटल डिजीज का एक मेन कारण जो होता है वो गैस्ट्रिक इश्यूज एंड जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, जैसे हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो दे आर, ये इस तरह के पेशेंट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं डेंटल डिजीज के लिए। इनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, जब भी ये कुछ खाते पीते हैं उसके बाद हल्की सी ब्रशिंग मेथड को ऑफ करना चाहिए, गार्गलिंग को ऑफ करना चाहिए, जिससे हम 80% डेंटल डिजीज से बच सकते हैं। और
ये आशा करती हूँ कि छोटी छोटी जो मैंने हैबिट्स बताई हैं ये आपके काम आएंगी, और नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं जो बात करूँगी वो मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉमन डिजीज होती है ब्लीडिंग ऑन गम्स, उस पर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि दांतों में खून क्यों आता है, किस लिए आता है, क्या हम लापरवाहियाँ करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। धन्यवाद।